महीने में पूर्व विदर्भ पर आसमानी आफत बढ़ती है। 1,34,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में अत्यंत संवेदनशील और सामान्य जनता किसानों का समाधान होगा। इस पद्धति से सर्वेक्षण किया जाए। राज्य सरकार का विदर्भ सहित राज्य की बाढ़ स्थिति पर बारीक नजर है। ऐसा प्रतिपादन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। वर्धा, चंद्रपुर और नागपुर जिले में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद विभागीय आयुक्त कार्यालय में नागपुर विभाग के 6 जिलों के जिलाधिकारी सीओ के साथ बैठक में समीक्षा करने के बाद वे बोल रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों को जहां संभव हो वहां दोबारा बुआई के लिए मदद की जाए, खाद बियाने के लिए तत्काल मदद की जाए, बाढ़ में दुखी व पीड़ित नागरिक और किसानों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, जीवन आवश्यक सुविधा दी जाए, पशुधन बड़े पैमाने पर मृत हुए हैं, तत्काल मदद के रूप में दी जाने वाली आर्थिक मदद बिना विलम्ब पहुँचाई जाए। फडणवीस ने कहा कि कम समय में ज्यादा बारिश के बाद तत्काल प्रतिसाद देने वाली मशीनरी सक्रिय करने की जरूरत है। बांध भरे हुए हैं, जिस कारण आने वाली बारिश परिस्थिति और गंभीर कर सकती है। जल भंडारण और उसका व्यवस्थापन हाई अलर्ट पर लें। अनेक जिलों में फसल कर्ज के आंकड़े देखने पर पता चला कि सरकारी बैंकों के कर्ज आवंटन के आंकड़े कम है। प्रत्येक जिलाधिकारी बैंक से इस संबंध में पूछताछ करे। बाइट उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को बूस्टर डोज लेने के लिए प्रेरित करें। कोरोना खत्म नहीं हुआ है। पहला और दूसरा डोज लेने के कारण देश में कोरोना परिस्थिति नियंत्रण में है। बूस्टर डोज लिए बिना कोरोना से भविष्य में बचाव नहीं है, इसलिए अभियान गतिशील किया जाए। इससे पहले प्रभारी विभागीय आयुक्त राधाकृष्णन बी ने उन्हें नागपुर विभाग की स्थिति से अवगत कराया। इस अवसर पर विधायक चंद्रशेखर बाबनकुले, समीर मेघे, कृष्णा खोपड़े, डॉक्टर पंकज भोयर, प्रतिभा धानोरकर, पूर्व सांसद डॉक्टर विकास महात्मे आदि उपस्थित थे। जर आपण शेतीचा विचार केला तर कदाचित आता ही संख्या वाढवू शकते, पण आतापर्यंत जो काही प्राथमिक अंदाज आहे तो 1,34,871 म्हणजे जवळपास 1,35,000 हेक्टर एवढं शेतीचं नुकसान झालेलं आहे। मोठ्या प्रमाणात काही ठिकाणी जमीन खरडून गेली आहे, काही ठिकाणी गाळ वाहून त्या ठिकाणी आलेला आहे, काही ठिकाणी अतिशय पिकाची परिस्थिती पूर्णपणे खराब झाली आहे, 100% लॉस आहे। विशेषतः सोयाबीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान आहे, इतरही पिकांमध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला नुकसान जे आहे पाहायला मिळत आहे। यामध्ये काही ठिकाणी असंही लक्षात आलं की दुबार पेरणी केली होती आणि ती पण आता जवळपास संपुष्टात आलेली आहे आणि प्राथमिक अंदाज असा आहे की आत्ता हे जे काही नुकसान झालेलं आहे यापैकी साधारण 35-40% ठिकाणीच पुन्हा पेरणी करता येणं शक्य आहे। बाकी ठिकाणी काही वेगळा विचार करावा लागेल। रेग्युलर पेरण्या तर त्या ठिकाणी पुन्हा दुबार पेरण्या काही होऊ शकणार नाहीत, कारण आपला जो काही आता सीझन आहे तो सीझन ज्या टप्प्याला आहे त्या टप्प्याला त्याला ती वाढ मिळत नाही आणि म्हणून त्याही ठिकाणी काही वेगळा विचार हा करावा लागेल। साधारणपणे जिथे दुबार पेरणी होऊ शकते त्या ठिकाणचंही थोडंसं नियोजन हे सगळे विभागीय आयुक्त आणि सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलं आहे आणि विशेषतः या ठिकाणी कापूस, मका, तूर आणि भात असं याचं बियाणं हे दुबार पेरणीकरता उपलब्ध करून दिलेलं आहे। खतं देखील त्याकरता उपलब्ध करून दिली आहेत। काही नियतन हे अजून रिलीज झालेलं नाही आहे, ते लवकरात लवकर त्या त्या जिल्ह्यांना रिलीज जर केलं तर आपल्याला निश्चितपणे त्या जिल्ह्यामध्ये दुबार पेरणी करता ती खतं उपलब्ध करून देता येतील। तर तेही मी स्वतः त्याच्यामध्ये लक्ष घालतो आहे आणि मोठ्या प्रमाणात ते आपल्याला कसं उपलब्ध करून देता येईल याचाही प्रयत्न आपण करणार आहोत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपूर।